अगर आप सभी लोग पीएनबी मेटलाइफ के गारंटेड सेविंग्स प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको पीएनबी मेटलाइफ के गारंटेड सेविंग्स प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप प्लान, पेंशन प्लान और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी को समझना चाहते हैं तो आपको चैनल पे जुड़े रहना होगा। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको उचित समय पर मिलती रहे अपडेट्स के साथ में। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार आज की वीडियो में हम पीएनबी मेटलाइफ के भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड की डिटेल को समझ रहे हैं। अब हमें नाम से ही यहाँ पे पता लग रहा है कि इस फंड के माध्यम से जो मनी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाली है। और जैसा कि अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो विजन भी है कि इंडिया को एक आर्थिक शक्ति बनाना, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना ये हो भी नहीं पाएगा। पीएनबी मेटलाइफ ने भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड को अगस्त 2024 में ही लॉन्च किया है, तो नया फंड ऑप्शन है ये। ये आपको मेरा वेल्थ प्लान में मिल सकता है, गोल अनश्योर मल्टीप्लायर प्लान में भी आपको मिल जाएगा। मेरा वेल्थ में 2100 रुपए पर मंथ पे करके आप शामिल हो सकते हैं इस फंड में इन्वेस्ट करना, जहां पे आपको लाइफ कवर के बेनिफिट मिल जाते हैं। अब क्योंकि यूलिप प्लान के साथ ही ये फंड ऑप्शन आपको मिलता है, तो आपका सालाना प्रीमियम अगर 2.5 लाख रुपए तक का होता है तो आपको पता ही है कि प्रीमियम के लिए अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी। मेच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के लिए अंडर सेक्शन 1010D आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है, जहां पे मेच्योरिटी टैक्स फ्री हो सकती है, राइट। अब यूलिप के साथ है तो चार्जेस भी लग सकते हैं आपको। चार्जेस जानने के लिए आपको गोल अनश्योर मल्टीप्लायर प्लान की वीडियो देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको चार्जेस के बारे में पता लग जाएगा। अब पीएनबी मेटलाइफ का जो भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड है, ये एक नया फंड ऑप्शन है, तो अभी तो इसका एज सच कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि इसका वेटेज क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, राइट। तो हम इसके बेंचमार्क को यहाँ पे नोटिस कर लेंगे। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो ऑप्शन है ये 16 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ। इस ऑप्शन के माध्यम से, या कहोगे इस फंड ऑप्शन के माध्यम से, या इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के माध्यम से आप लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी तरीके के स्टॉक्स में आपका इन्वेस्ट हो जाता है। लार्ज कैप 100 का मतलब है कि मार्केट की टॉप 100 ऑर्गेनाइजेशन, मिड कैप 150 का मतलब है कि मार्केट के मिड कैप स्टॉक्स की जो 150 टॉप ऑर्गेनाइजेशन है वो, स्मॉल कैप 50 का मतलब है कि मार्केट की जो टॉप 50 स्मॉल कैप ऑर्गेनाइजेशन है वो। अब स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में जानना चाहते तो वीडियो आपको ऑलरेडी SIP एंड म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 31.57% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का वेटेज है, यानी कि होल्डिंग है इक्विटीज। कैपिटल गुड्स में 19.14%, हेल्थ केयर में 15.04%, मेटल एंड माइनिंग में 11.82%, ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 8.95% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का वेटेज है, राइट। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पॉज करके पढ़ सकते हैं कि अदर सेक्टर की भी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है और कितना वेटेज है ये भी हमें बताया गया है। अभी हम बेंचमार्क से रिलेटेड है, फिर भी हम सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फंड ऑप्शंस होते हैं जिनको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च करती हैं, वो बेंचमार्क को पूरी तरीके से फॉलो कर रही होती हैं, राइट। तो ऐसा पूरी तरीके से पॉसिबल है कि जो सेक्टर एलोकेशन रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के साथ, वैसा ही हमें फंड में दिखाई दे। अब बात आती है टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन की, तो टाटा मोटर्स लिमिटेड में 5.49% है वेटेज असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 5%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 4.97%, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में 4.80%, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 4.66%, टाटा स्टील लिमिटेड में 3.67% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का हमें एलोकेशन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी बजाज ऑटो लिमिटेड भी शामिल है यहाँ पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी शामिल है, हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी यहाँ पे शामिल है और JSW स्टील भी यहाँ पे शामिल है। अब इन ऑर्गेनाइजेशन से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि जो पीएनबी मेटलाइफ का भारत मैन्युफैक्चरिंग फंड है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन आपको एज ए पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो देखने के लिए मिल सकती है, राइट। क्योंकि बेंचमार्क क्या है हमारा, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड ऑप्शन, ठीक है जी। तो जो बेंचमार्क है उसके अनुसार ये ऑर्गेनाइजेशन का हमें पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आपको इसका प्रॉपर PDF चाहिए क्रॉस चेक करने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमने बताई है वो सही है या नहीं, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है।
निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले एक साल में अगर देखोगे तो 57.89% रहा ओवरऑल राइट, और पिछले 5 सालों के अंदर 30.18% यानी कि 30.18% परफॉर्मेंस रेशो रहा है एवरेज। लॉन्च डेट में आपको बता चुका हूँ, तो सिंस द इंसेप्शन 16.63% का ओवरऑल परफॉर्मेंस रेट इसका रहा है। तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि पिछले 5 साल और पिछले 1 साल के अंदर इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब ऐसा आपको समझ में आ जाता है कि जब एक गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर विजन के साथ काम करती है तो उससे एक सेक्टर प्रभावित होता ही है, जहाँ पे रिटर्न के अच्छे ऑप्शंस बनते हैं तो उस रिटर्न से संबंधित जो मार्केट से रिलेटेड जो फंड ऑप्शंस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस में हमें अंतर देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमें अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए और मार्केट रिस्क को समझते हुए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो यूलिप प्लान हो चाहे वो म्यूचुअल फंड ऑप्शन हो, दोनों में जोखिम आपका होता है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता है। राइट, आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।